हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके के 25 एमसीक्यू, जो कि एग्जाम हुआ था आपका लेबर इंस्पेक्टर का ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के नाम से। आपका अप्रैल 2018 में पेपर हुआ था, उसके पेपर के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। इसमें सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमपी से, करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी चूंकि हुई थी, देखिए भोपाल गैस त्रासदी आपकी हुई थी 2 से 3 दिसंबर की रात में हुई थी। ये 2 से 3 दिसंबर की रात में हुई थी 1984 में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, एसएससी में भी आते हैं, एमपी वेपर में भी आते हैं और भी लगभग एक, क्योंकि ये एक तरीके से वर्ल्ड की बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें कि ऐसी गैस रिलीज हुई थी और लगभग काफी लोग मर गए थे। देखिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके एक प्लांट था जो कि पेस्टिसाइड्स बनाता था। तो 2 से 3 तारीख की रात को इनमें इसमें से लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, इससे लगभग 2500 लोग मर गए थे। तो काफी बड़ी घटना थी और लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे इससे। तो बहुत बड़ी घटना थी अपने आप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद ने इन चारों में से क्या नहीं लिखा है। इन चारों में से उनमें से ये उसने उसे उसने कहा था, ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को पता होगा कि इन सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है। सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। ये मध्य प्रदेश में सोयाबीन, चना और प्याज ये सब लगभग सबसे ज्यादा यही होता है, और सोयाबीन के लिए तो पूरे इंडिया में फेमस है। और पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त कौन है। मध्य प्रदेश का देखिए लोकायुक्त है जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता, ये बने थे 2017। तो देखिए अब पूछ रहे हैं आपसे कि 23 मार्च को देखिए बनाया क्या जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, उस दिन क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी क्योंकि बहुत दुर्घटना घटना थी। तो इसको इसका आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला है अमजद अली खान इन एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे जो कि इन चारों में से क्या बजाते थे। देखिए वो बजाते थे सरोद, काफी फेमस थे। देखिए उन्हें कपिल शर्मा शो में भी बुलाया गया। ये है वो अमजद अली खान और इनको एक अवार्ड भी मिला था, पद्म विभूषण इन्हें अवार्ड भी मिला था और काफी फेमस है, तभी इन्हें कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली के नाम से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया करके जगह है जो कि कैलिफोर्निया में है, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि वहां से वर्ल्ड का एक तरीके से आईटी हब उसको बोला जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब सारे काम लगभग वहीं पर ज्यादा होते हैं। तो इंडिया का एक तरीके से आईटी हब, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब बेंगलोर को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, ये सारे बेंगलोर के ही नाम है। अगला क्वेश्चन है स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ये है आपका पेड़ और सभी को पता होगा कि ये पेड़ है बरगद का। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। किस प्रसारण कंपनी ने अगले 5 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं। देखिए इसका आंसर आपका है स्टार, अगले 5 साल तक सारे मैच वही दिखाने वाली है क्रिकेट के। और यूनेस्को हेरिटेज साइट इनमें से किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, इसका देखिए फोटो जो कि बहुत सुंदर है, ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और इसको इसका पुरा ये अंग्रेजों के टाइम का है, इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका कि इंडिया के लोगों ने बाद में इसका नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। आपने मूवी देखी होगी रावण, जो कि शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें इस स्टेशन को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, इसको टूटता हुआ दिखाया गया है, इस पूरे स्टेशन को ग्राफिक्स के तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है। देखिए इसका आंसर है आपका जबलपुर, जबलपुर में स्थित है और इसकी दो बेंच हैं, एक तो है ग्वालियर में और दूसरी आपकी इंदौर में।
ग्वालियर वो भोपाल में कोई भी इसकी बेंच नहीं है, तो भोपाल के लोगों को भी ग्वालियर इंदौर या जबलपुर जाना पड़ता है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था, मुझे लग रहा था कहीं पढ़ा हुआ है मेरा, तो मैंने गलती से वहां डिस्कस कर दिया। किशोर कुमार का जन्म स्थान है खंडवा में, ये यहाँ के हैं, यहाँ इनके यहाँ पैदाइश हुई थी इनकी। अगला क्वेश्चन है जो सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सांची स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा, और ये बनवाया गया था 3री शताब्दी में, और सांची स्तूप है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर है आपका देवास में। देखिए प्रिंटिंग प्रेस जो है, जो कि अपने देश में चार हैं, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है और दो है आरबीआई के अंदर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती हैं वो है नासिक और देवास। देवास आपका मध्य प्रदेश वाला आ गया, और दूसरी आती है आरबीआई के अंडर में। आरबीआई के अंडर में आपकी आ जाती है, एक तो आ जाती है मैसूर, मैसूर प्रिंटिंग प्रेस जो कि ये कर्नाटका में, और दूसरी आ जाती है आपकी सलबोनी। सलबोनी आपकी कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल में। ये चार है। अगला है कि आरबीआई बैंकों को जो उधार देती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? आरबीआई जो बैंकों को उधार देती है उसको अपन बोलते हैं रेपो रेट, और आरबीआई जिस पे अपन उधार लेती है बैंकों से उसको आरबीआई कहती है रिवर्स रेपो रेट। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जो महिला ओडीआई क्रिकेट में दुनिया की सबसे ज्यादा कैप्ड खिलाड़ी बनी है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि कैप्ड खिलाड़ी का क्या मतलब होता है। कैप्ड खिलाड़ी का मतलब होता है कि वो खिलाड़ी जिसने अपने देश को सबसे ज्यादा बार रिप्रेजेंट किया हो, यानी कि वो अपने देश की तरफ से खेली हो या खेला हो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुमेन क्रिकेट में सबसे ज्यादा इन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। इनकी बायोपिक भी बनने वाली है, जिनकी की बायोपिक कर रही हैं ये, नाम इनका मैं भूल रहा हूँ अभी, इनकी मैंने फोटो लगाई हुई है, तापसी पन्नू इनका नाम है, हाँ तापसी पन्नू जो कि इनकी बायोपिक करने वाली है। अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसको जीआई टैग दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश का है? मध्य प्रदेश का कड़कनाथ जो कि मुर्गा है, इस तरीके काले कलर का होता है, उसको जीआई टैग दिया गया क्योंकि स्पेशलिटी है इधर की। और कड़कनाथ जो मुर्गा आपका, इसको काली मौसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काली मौसी। और कड़कनाथ जो आपका मुर्गा है ये पाया जाता है झाबुआ रीवा इस जगह पाया जाता है। इससे एक और क्वेश्चन ये आता है कि कड़कनाथ मुर्गे का जो एग का एग जो होता है, ये अंडा जो अपना देता है उसका कलर क्या होता है? तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ब्लैक कलर, और लोगों को लगता है कि वही होगा इसका आंसर, पर एग का कलर इसका होता है क्रीम कलर, या आप कह सकते हैं क्रीम कलर, ग्रे टाइप का क्रीम कलर होता है वैसे वो। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवी इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के अभी तो चल रहे हैं एडमिरल करमवीर सिंह, तो पर ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम पे चल रहे थे आपके एडमिरल सुनील रामा, पर अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको करना पड़ेगा करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में जो चुनाव हुए थे त्रिपुरा में, उसमें 10वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे विप्लव कुमार देव, इनकी फोटो भी मैंने ये लगाई है, ये है विप्लव कुमार देव। और लगभग त्रिपुरा जब से बना है बीजेपी की सरकार, आज तक कभी नहीं आई थी उधर, ये पहली बार बीजेपी की ने सरकार बनाई त्रिपुरा में, सफल हुए हैं ये बनाने में। तो ये बात है 2018 की। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री कौन है? ये आपका आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी, ये इनकी फोटो मैंने लगाई हुई है, ये है। 2018 में पद्मश्री अवार्ड इन चारों में से किसे नहीं मिला था? तो आंसर है आपका शमशाद बेगम। शमशाद बेगम जो कि पाकिस्तान बॉर्न है, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और मुंबई में रहती हैं। और अगला है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट से इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई शेर छपा हुआ इस टाइप का। मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट मतलब, ये मैंने इसीलिए आपका फोटो लगा दिया, फोटो से काफी इजी हो जाती है चीजें समझना। इस टाइप का जो भी प्रिंटिंग होता है, इससे मिलती जुलती और भी प्रिंटिंग होती है, ऐसा नहीं होगा कि सेम इसी टाइप की प्रिंटिंग होगी, इससे मिलती जुलती प्रिंटिंग होती है। तो उसका कपड़ा मुद्रण यानी कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाघ प्रिंट। इस वाले प्रिंट को बाघ प्रिंट कहते हैं। अगला है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो कि बहुत ही फेमस पोयम है, जो किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है।
अगला है जामिनी रॉय। जामिनी रॉय एक प्रसिद्ध क्या थे? वो थे पेंटर, वो पेंटिंग करते थे। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? जो कि है तिरुवनंतपुरम केरला में, ये केरला में है। तो हो गए 25 क्वेश्चन। थैंक यू।